सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 24 9/12/2020। थर्ड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 50 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए बच्चों टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक कवर करना जरूरी है, क्योंकि टीसीएस कंपनी का जो न्यू पैटेंट है ना, यदि किसी आपकी शिफ्ट में किसी एग्जाम में एक टॉपिक को उठा लेती है ना, तो प्रत्येक शिफ्ट में उसी टॉपिक से लगातार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका होगा ऑल सब्जेक्ट जीके का, आपका मैं फास्ट डिवीजन कैसे कराता हूँ, मैक्सिमम बातें मैं आपको ट्रिक्स आपके माइंड में सेट करूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति और भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करने के लिए करके नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन निकल कर आते हैं यहाँ से, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए बल्कि संस्कृति, जाति या भूगोलिक आधार के मतभेद को पहचानने के लिए बनाए गए थे। ठीक है जी, अब बात करते हैं नागालैंड की। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, नागालैंड का गठन कब हुआ था बच्चों? 13वां संविधान संशोधन था, 13वें संविधान संशोधन के तहत ना, कब? 1962 में किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड का गठन 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत किया गया था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, आपका जो झारखंड है, झारखंड किससे अलग होकर बनाया गया था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिन स्टूडेंट को जीके और जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज लिंक दिए गए शॉर्ट वीडियो के, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कराए गए हैं वन लाइनर अप्रोच के साथ, एक बार उनको आप देख लीजिएगा, आपको जीके याद होना स्टार्ट हो जाएगा। यही तरीका बेस्ट है कि मैक्सिमम जीके कम समय में कैसे बेहतर कर सकते हैं आप अपनी। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान में बजाया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुंगल। क्या बजाया जाता है जी? बुंगल। कासे से बनाई गई वायु वाद्य यंत्र होता है बच्चों, राजस्थान में पाया जाने वाला यह यंत्र है ना, तुरही के आकार का होता है। किसके आकार का? तुरही के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, जिस क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते होंगे बच्चों, वही मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर दरों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार का, डेट पूछी जाती है ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2014 को ये की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 15 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फाइव, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ है आपका, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, जबकि गोवा नहीं है। इतना आपको पता होना चाहिए, गोवा है ना भारत का एक राज्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग न्यायमूर्ति कौन थे बच्चों? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना जरूरी है। फजल अली की अध्यक्षता में ना 1953 में क्या हुआ था? 1953 में गठित की गई थी एक क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग की। ठीक है जी, 30 दिसंबर, ये डेट याद रखनी है आपको, 30 सितंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट ना भारत सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को ना आधार बनाकर भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया था। कौन सा अधिनियम पारित किया था? 1956 पारित किया था, जिसमें क्या किया गया था, क्या प्रावधान किए गए थे? भारत को 14 राज्य, पहले 14 राज्य थे ना बच्चों, 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। ठीक है जी, वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में 2023 के अकॉर्डिंग, 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्रशासित प्रदेश हैं, 8 केंद्रशासित प्रदेश है। राज्य तो पूछे नहीं जाते एग्जाम में, सभी को पता है मैक्सिमम, 8 केंद्रशासित प्रदेशों को पता होना चाहिए, 8 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी का भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। दिल्ली, 8 में आपको याद करा देता हूँ, दिल्ली, पुंडुचेरी बोलते हैं इसे, पता तो सभी को होगा, पुंडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप और दादर व नागर हवेली, ये आपके 8 है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है?
क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भीमबेटका। भीमबेटका भारत किस राज्य में स्थित है बच्चों? ये आपके ये एमपी के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये आपको पता ही होगा। इस स्थल की खोज ना 1957-58 में डॉक्टर विष्णु, नाम क्या है ये आपका, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की गई थी। और इस साइट को ना बच्चों 2003 में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कब विश्व विरासत धरोहर स्थल घोषित किया था? 2003 में भीमबेटका को किया था। कहाँ है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेवन, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है? सभी गैसों का आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का नाइट्रोजन कितनी होती है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, 78। वायुमंडल में काफी सारी गैसें होती है, ठीक है जी। वायुमंडल में जो गैसों का संगठन है ना, नाइट्रोजन कितनी होती है आप बच्चों आपकी? नाइट्रोजन होती है 78.8%। 78.8% क्या होती है आपकी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद नंबर किसका आता है? ऑक्सीजन का। लगभग कितनी होती है? 20.95% ऑक्सीजन। इसके बाद आपका आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आठ, भारत में पका हुआ मध्यान्ह भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? योजना की डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर आठ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, 2001। कब की गई थी बच्चों? 2001। इससे पहले क्या था आपका? 15 अगस्त, 1995 को मिड डे मील योजना व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अंतर्गत बच्चों ये शुरू की गई थी। इतना भी आपको पता होना चाहिए। मिड डे मील की डेट याद रखनी है आपको, 15 अगस्त 1995। मिड डे मील कब चालू हुई थी आपकी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। एक आता है आपका कुक्कड़ मिड डे मील योजना, उसकी डेट क्या है बच्चों आपकी? 2001। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए ना मिड डे मील की शुरुआत की थी। पहला राज्य कौन था मिड डे मील की शुरुआत करने वाला? तमिलनाडु। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु। एक्स्ट्रा फैक्ट से ही ऐसे क्वेश्चन कवर होंगे आपके, क्योंकि बुक में तो देखने को डायरेक्ट मिलने वाला आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल भी जाएगा लेकिन उसके लिए आपको काफी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी व डी दोनों, बी व डी दोनों, वीणा और वायलिन दोनों बजाते थे। पंडित आपका राम नारायण प्रसिद्ध क्या थे बच्चों? शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? उदयपुर राजस्थान में हुआ था। ये है ना प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। क्या था जी? सारंगी ऑप्शन में नहीं है लेकिन प्रसिद्ध सारंगी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लेकिन बजाते हैं वीणा और वायलिन दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम के से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेडिकेटेड। किसे? डेडिकेटेड। द ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है बच्चों। किसका नाम है? तारामंडल का। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। इस नाम को तो आपको पता हो, इसे ये नाम तो आपको पता होगा। क्या जी? सप्तऋषि। द ग्रेट बियर का नाम दूसरा क्या है आपका? सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के ना उत्तरी गोलार्ध के आकाश में ना रात्रि के समय दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? द ग्रेट बियर, जिसका अर्थ होता है बड़ा भालू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बड़ा भालू। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल कर रहे हैं। बड़ा भालू भी कहा जाता है, बड़ा भालू भी। सप्तऋषि आप पढ़ी चुके होंगे, पहले भी आपने देखा होगा क्वेश्चन। द ग्रेट बियर और बड़ा भालू भी इसे कहा जाता है, जिसमें चार, जिसमें इसमें क्या होता है बच्चों? चार, इसमें चार चौकोर तथा तीन तिरछी रेखा में दिखाई देता है। ये सात तारे ना क्रम से कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। क्रुतु, दूसरा आपका पुले, तीसरा आपका पुल सत्य, चौथा आपका अत्रि, पांचवा आपका अंगिरस, छठा आपका वशिष्ठ, सातवा आपका मारीच। मारीच है, ये आकाश में ना पतंग की बात ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग में खालिस्तान के लिए फिट है तो फिट है इंडिया योजना शुरू की है। किसने की है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कूली बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, अगस्त 2020 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी भाटिया।
किसे नियुक्त किया गया, 2020 की बात हो रही है, अश्विनी भाटिया। बात करते हैं भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। इनका कार्यकाल बच्चों कब तक का था, कब 31 मई 2022 को समाप्त हो गया है, इतना आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तेरह क्या कह रहा है, ये अंतर नहीं है बच्चों, ये इंटर है। इंटर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में संग्रम से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा खेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जो बच्चों इसमें है ना, मैं बता देता हूँ इसकी डिटेल आपको पहले से। उसे भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1956 में। कब की गई थी, 56-57 में की गई थी। ये है ना, खेलों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार के तौर पर कितने रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख। प्रथम पुरस्कार में 15 लाख, दूसरे व तीसरे पुरस्कार प्राप्त करने वालों को पुरस्कार 7.5 और 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बात करते हैं 2022 में किसे दिया गया है, 2022 में दिया गया है प्रथम पुरस्कार, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष खालिस्तान को संसद में पेश किया जाता है, क्या मतलब डेट पूछ रहा है, प्रतिवर्ष क्या तारीख को पेश किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी, बजट की बात हो रही है बच्चों, इतना आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 आर्टिकल नंबर कौन सा है बच्चों, बजट का, बजट नाम नहीं दिया हुआ है, वित्तीय वार्षिक विवरण के नाम से दिया गया है, बजट कहीं नहीं है संविधान में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, बजट के स्थान पर क्या नाम दिया गया है, वित्तीय वार्षिक विवरण का प्रावधान आर्टिकल नंबर 112 के तहत है। बजट भारतीय संसद में कब पेश किया जाता है बच्चों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। यहाँ से है ना, प्रथम बजट पेश करने वाले का नाम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। स्वतंत्र भारत का बजट श्री, नाम क्या है, श्री आर के षणमुखम शेट्टी जी, षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा 1947 में पेश किया गया था, प्रथम पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ये नाम आपको याद रखना होगा। सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक बजट पेश करने की उपाधि किसे दी गई बच्चों, ये किसे प्राप्त है, सबसे ज्यादा पेश किसने किया है, मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई जी ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवराई की पहाड़ियां। सेवराई पहाड़ियां बच्चों पूर्वी घाट में स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य में फैली है और सेलम जो सेलम नगर है ना, इस पहाड़ी के ही समीप स्थित है। पूर्वी घाट में ना स्थित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण भी क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, नल्लामाला, फिर आती है आपकी वेणुकोड़ा, फिर पालकोड़ा, फिर नागरी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमाला, ये क्रम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी, ये तो सभी को पता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों, कैलाश पर्वतमाला के पास, क्या नाम है उनका, कैलाश पर्वत की माना के पास, ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमयुंगडुंग क्या है आपका, एक ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ये पता होना चाहिए। यहाँ से देखो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तिब्बत में इसका नाम क्या है बच्चों, सामगो, क्या है जी, सामगो। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है, दिहांग, मैं लिख देता हूँ, ये आपका तिब्बत है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है इसको, दिहांग कहा जाता है। असम में किस नाम से जाना जाता है, अब बात करते हैं असम की, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में की सीमा में जैसी एंट्री करेगी तो इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। तथा जब ये गंगा नदी में मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। गजब, देखो कितने क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी से कितने क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपगो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जल नदी जब गंगा में मिल जाती है तो उसका संगम क्या कहलाता है बच्चों, संगम के बाद जो जलधारा बनती है उसे क्या कहा जाता है, उसे पद्मा के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करेंगे हम, वो क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में पूछा जाते हैं, भारत में इसका प्रवेश है ना बच्चों कहाँ से होता है, एक आपका दर्रा है, यांग याप दर्रा, ऐसे आपको उसका भी पता होना चाहिए। जो आपका सतलज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है भारत में,
यांगयाप दर्रा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जैसे कि ये है आपका लोहित नदी है, जो आपकी मेन सहायक नदी है, एक तो आपकी लोहित है जो क्वेश्चन है हमारा, लोहित के बाद आपका एक कामेत है, कामेत तिस्ता भी है इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की, एक आपकी कौन सी है सुबनसिरी है, बस इतना ही आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक प्रत्येक नहीं, अप्रैल 2020 तक निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, देश का किस देश का जनसंख्या घनत्व, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस का है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक ना विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाले देशों की जो यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ का मकाऊ हुआ, सबसे ज्यादा मकाऊ, उसके बाद फिर सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आपका बहरीन, बहरीन के बाद आपका मालदीव, मालदीव के बाद आपका माल्टा, माल्टा के बाद आपका बांग्लादेश, वेटिंगन सिटी है फिर। ठीक है जी, भारत का जन घनत्व कितना है बच्चों, जन घनत्व भारत का डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, 382, कितना है 382। भारत में पड़ोसी देशों में ना भारत से ज्यादा जन घनत्व वाले देश कौन कौन से, मालदीव, बांग्लादेश और मॉरिशस, भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से तीन है। नंबर एक आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे पूछा भी जाता है बार बार, रिपीट होता है क्वेश्चन ये, मालदीव अच्छे लेवल का यदि एग्जाम है आपका कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मालदीव, बांग्लादेश और मॉरिशस का जनगणना क्या है बच्चों, भारत के पड़ोसी देश ही ऐसे हैं तीन जिसका जनगणना तो भारत से ज्यादा है, मालदीव, बांग्लादेश और आपका मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी, क्या है जी विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष हुआ शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1910 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मवेशियों के मुंह फटने का रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विषाणु, क्या जी विष, वायरस, विष, विषाणु। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरसों, सरसों क्यों नहीं है बच्चों ये तिलन की है। खरीफ की फसल की जो है ना बुआई मानसून के समय होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको, कब, जून जुलाई, जून जुलाई में बोई जाती है आपकी। ठीक है जी, अक्टूबर के आसपास ही काटी जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है आपकी खरीफ की, कौन कौन सी है जी खरीफ की फसलें कौन कौन सी है प्रमुख, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है धान की फसल, धान की फसल आपकी, इसके बाद कौन सी है खरीफ की फसल के बाद, धान, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंग इत्यादि, ये आपकी सभी क्या है बच्चों, ये आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं रबी की फसल की, रबी की फसल कब बोई जाती है आपकी, मतलब सर्दियों में बोई जाती है, नवंबर में बोई जाती है तथा जैसी गर्मी स्टार्ट होती है अप्रैल मई में काट ली जाती है, वे कौन कौन सी आपकी, गेहूं, गेहूं, जौ, सरसों, मटर, अलसी, आलू, चना इत्यादि। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, 1957 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहां लोगों ने यूकेलिप्टिस के पौधों को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, मई 2020 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 TS तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, वान कारमेन पुरस्कार किसकी प्रख्यात हस्तियों, कितनी प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है, किसकी प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है मुझे, दोबारा देख लेता हूँ, वान कारमेन, द वान कारमेन पुरस्कार किस, एक मिनट रुको, द वान कारमेन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया जाता है, प्रख्यात की जगह क्या बोला जा सकता है, प्रसिद्ध हस्तियों को दिया जाता है, बात वही है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 2019 में किस देश की GDP तीसरे सबसे बड़ी थी, 2019 की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी है जापान। वर्तमान समय में भारत कौन से नंबर पर है बच्चों, पांचवें पर है, भारत कौन से पे है, पांचवें पर, सबसे ज्यादा कहाँ की है, चीन की, आपको ये सीरीज भी पता होनी, चीन के बाद जापान, जापान के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद ब्रिटेन,
और ब्रिटेन के बाद अपना प्यारा भारत, ब्रिटेन के बाद कौन सा है पांचवें नंबर पर अपना प्यारा भारत। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत वर्तमान में पांचवें नंबर पर है और चौथे नंबर पर आने के लिए किस देश को पिछाड़ कर आएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन को पिछाड़ कर चौथे नंबर पर आएगा। क्वेश्चन 26, मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से होकर गुजरता है, खाली स्थान जो से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, मुखगुहा से शुरू होती है, छोटी आंत बड़ी आंत मलाश से फिर ऐसा आगे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के, किसके जी ऑप्शन नंबर थर्ड मोहम्मद तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता था जी, बांग्लादेश ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वर्तमान में 2022 का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि 20 का तो पूछा नहीं जानेगा। 2022 में अंडर विश्व कप जो है ना आयोजन फरवरी में हुआ था आपका, 2022 में वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। भारत ने ना इंग्लैंड को हराकर पांचवी बार ये खिताब हासिल किया है। इस विश्व कप में कुल टीमें कितनी थी, 16 टीमों ने भाग लिया था। इसमें ना मैन ऑफ द सीरीज दक्षिण अफ्रीका के ना डेविड ब्रेसिविस आपके 506 रन बनाकर हुए थे प्रथम नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गरीबी की माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पक्का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भरतनाट्यम के प्रदर्शन की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा कौन सा है, महत्वपूर्ण टुकड़ा या हिस्सा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्णम है जी, क्या है वर्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन, सिंधु क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है जी, अंबाला, अंबाला हरियाणा, जो अंबाला है आपका हरियाणा राज्य का अंबाला शहर है जी। गंगा नदी के बेसिन और सिंधु नदी के बेसिन के बीच ना ये जल विभाजन का के रूप में कार्य करता है। हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है जी, हरियाणा से लगने वाले राज्य कौन कौन से आपके, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जी, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा रोंगकारो। असम में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, रोंगकारो है आपका। ठीक है जी, अब एक नागालैंड का त्यौहार पूछा जाता है, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है जी, नागालैंड में मनाया जाता है आपका हॉर्नबिल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है आपका। ठीक है जी, एक है आपका चिबोर, एक है आपका चिरोबो, चिरोबो मणिपुर का होता है जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के राज्य, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का मुखिया है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का मुखिया, भारत के राज्य का मुखिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट सा लग रहा है क्वेश्चन में, भारत के जो आपके राष्ट्रपति हो ना, राज्य के प्रमुख होते हैं, वह भारत के प्रथम नागरिक तथा संविधान के संरक्षक होते हैं। भारत के राज्यों का मतलब पूरे भारत की बात हो रही है ये। ठीक है जी, जबकि मुख्य शक्ति किसके नहीं होती बच्चों, प्रधानमंत्री, ये संघ का मुखिया कह रहा है बस, डायरेक्ट याद रखना, राज्य मतलब स्टेट पर ना लेकर जाना, भारत की सभी राज्यों का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है इसमें, राष्ट्रपति कार्यवाही तो सारी किसके नाम से होती है बच्चों, प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ठीक है जी, मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के नीत होती है। राष्ट्रपति के आपके आर्टिकल कहां से कहां तक है आपके, 52 से लेकर कहां से कहां तक है जी, 52 से लगातार 61 तक है, जो मैं आपको ट्रिक से लगातार कराता आ रहा हूं, जो स्टूडेंट मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए रोहेल ही हो फ्लिंट पुरस्कार किसने जीता। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिस पेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पेंसिल में कार्बन के रूप में का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार ने किसके वृक्षारोपण के लिए 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल के की एमएसपी है जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है।
क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक तिहाई, ऑप्शन नंबर सेकंड एक तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूख और कुपोषण। क्या करता है जी? भूख और कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कुतुब मीनार परिसर में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसे 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हरेकला हजबा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गुजर प्रतियारों राष्ट्रकूटों और पाल वंशों के शासन में खालिस्तान पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी थी जिन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? कर्नाटक। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य के ना बीजापुर जिला है। कौन सा जी? बीजापुर जिले में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, 1921 में अवध में किसानों के साथ तालुकदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र ने। स्थापना कब हुई थी बच्चों? अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920। यदि डेट पूछी जाए 1920 याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य खेल संस्थान पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46, निम्नलिखित में से कौन सा मगध की शक्तिशाली शासकों में से एक था। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन था जी? ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, भारतीय इतिहास में शेर ए मसूर के मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान को जाना जाता है जी, टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान को ना यह उपाधि इसके पिता हैदर अली द्वारा मिली थी जी। इसका जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1950 में कर्नाटक के देनारहल्ली में हुआ था और मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा अंग्रेजों के से करते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। लगातार मैं आपको बताता रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अब तो ये कुछ क्वेश्चन जीके की डेट वाले तो आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 1905 की बात है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, तीन महत्वपूर्ण हिमालयों नदी प्रणाली सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के निष्कर्षण से कौन सी मिट्टी बनती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स्थिर जल निकायों में चमकदार मेले हरे धब्बे पैंच किसके उत्पत्ति के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा शैवाल की उत्पत्ति कारण। आपको क्लास कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।